हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बालाज किचन फ्लेवर में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ केसर कलाकंद। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और स्वादिष्ट बनती है। बिना मावा और बिना चाशनी के 15 मिनट में और कम इंग्रेडिएंट्स में आप ये मिठाई घर में ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये पाउडर शुगर मैंने लिया है, ये हाफ कप है पाउडर शुगर, और आप इसे घर में भी पीस सकते हैं। जो नॉर्मल शुगर होती है उसी को आप पीस लीजिए तो ये पाउडर शुगर आ जाएगा। ये हाफ कप मैंने अभी लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून दूध में केसर के स्ट्रिंग्स डाले हैं जो भिगो के रख दिए हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है ये हरी इलायची और साथ में दालचीनी का पाउडर है। ये केवड़ा वाटर है जो मैंने लिया है। ये 1 लीटर दूध है और इसको ये फुल फैट क्रीम दूध है। इसको मैंने पहले से ही ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये मेरा घर का बना हुआ पनीर है जो 1 बाउल है। आप इसे बाजार का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि घर का ही है। ये अगर बाजार का लेंगे तो 200 ग्राम्स के करीब आप लें। और अभी मैं ये इस पर 1 बाउल जो है ले रही हूँ पनीर। 2 टेबलस्पून मलाई है। साथ में ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ बादाम कुछ कटे हुए और पिस्ता गार्निश के लिए। सबसे पहले मैं दूध डाल रही हूँ जो 1 लीटर दूध है। ये इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये आधा नहीं हो जाता। आप इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर सकते हैं, पर साथ साथ चलाते रहिएगा। और साथ में जो साइड पे जो भी मिश्रण यानी कि जो भी मिक्सचर दूध का मलाई चिपक रही है उसे स्क्रैप करके बीच में डालते रहिएगा। हमें इसे लगातार चलाना है तब तक जब तक ये हाफ ना हो जाए। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं। अभी ये देखिए और जो है वो थिक हो चुका है, हल्का सा क्रीमी टेक्सचर में भी आ गया है। हमें अभी और इसे थोड़ा पकाना है, जस्ट फॉर 3 to 4 मिनट्स, और फिर हम इसमें जो है पनीर ऐड करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हाफ हो जाना चाहिए। अगर 1 लीटर है तो 1/2 किलो दूध जो है वो बॉइल करके हो जाना चाहिए। मैंने इसे 3 to 4 मिनट्स के लिए और बॉईल कर लिया और ये काफ़ी क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे पनीर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पनीर डाल रही हूँ। पनीर डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते रहना है तब तक जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए। मैंने पनीर डालने के बाद 1 to 2 मिनट्स इसको कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा और थिक हो चुका है। अब मैं इसमें जो हाफ कप मैंने पाउडर शुगर लिया है मैं वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, जो मैंने 2 टेबलस्पून मलाई डाल रही हूँ। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और साथ में दालचीनी और इलायची। ये ऑलमोस्ट थिक हो चुका है और पैन में भी मिक्सचर ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज में हम सिर्फ 1 से 2 मिनट और कुक करेंगे। अब मैं 7 to 8 ड्रॉप्स केवड़ा वाटर की डाल रही हूँ टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। मिक्सचर हमारा रेडी है। मैंने इससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैंने यहाँ पे ग्लास की ट्रे को देसी घी से ग्रीस कर दिया है। आप चाहें तो एल्युमिनियम या स्टील की ट्रे भी मिक्सचर को सेट करने के लिए ले सकते हैं। और अब पहले हाफ पोर्शन मिक्सचर का ट्रे में डाल दें और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। अब जो सेकेंड हाफ पोर्शन है उसमें केसर मिक्स किया हुआ दूध डाल दें और उसे वापस से गैस पे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मिक्स करके हल्का सा कुक कर लें। अब ये मिक्स हो चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और ये केसर मिक्सचर को पहले वाले मिक्सचर के ऊपर बराबर स्प्रेड कर दें। अब इसे 3 से 4 घंटे सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दें।
आप चाहें तो इसे एक घंटे के लिए रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। कलाकंद सेट हो चुका है, इस पे चांदी का वर्क लगा लेते हैं। इसे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो किसी भी अपने पसंद के ड्राई नट से इसे गार्निश कर सकते हैं। अब इसे पहले साइड से डीमोल्ड कर लेते हैं और अब इसे शेप में कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं। घर में कोई पूजा हो या त्यौहार हो, झट से इस मिठाई को बनाया जा सकता है। बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। केसर कलाकंद रेडी है, आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। पनीर से बिल्कुल डिफरेंट मेथड से बनाई हुई ये केसर कलाकंद बहुत ही सॉफ्ट, यमी और क्रीमी बनती है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके एक हफ्ते के लिए रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। तो आप ये केसर कलाकंद ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू रेसिपी। टिल देन नमस्ते एंड हैप्पी कुकिंग।